पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्री फायर वर्सेस इंडस का इमोट है ना। हम लोगों ने कंपेयर किया था फ्री फायर का इमोट कैसा है और इंडस गेम का इमोट कैसा है। बट आज की ये वीडियो में हम लोग है ना फ्री फायर का बैटल पास देखने वाले हैं और इंडस गेम का बैटल पास देखने वाले हैं। फ्री फायर के अगर हो तो तुम लोग को काफ़ी मजा आएगा इंडस का बैटल पास देखने में, और इंडस गेम के हो तो तुम लोग को फ्री फायर का काफ़ी मजा आएगा बैटल पास देखने में। दोनों में कंपेयर करेंगे और आप लोग बताना और मैं भी बताऊंगा कि कौन है बेस्ट, इंडस गेम का बैटल पास या फिर फ्री फायर का बैटल पास। बट अभी तो ये गेम प्री ऑर्डर में, अभी तो ये गेम ओपन बीटा में, तो आप लोग जज करके अच्छे से नीचे कमेंट करना। फिलहाल चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ फ्री फायर का बैटल पास। तो दोस्तों फटाफट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे लोग ध्यान से सुनना, हम लोग आ गए फ्री फायर के बैटल पास में। अब मैं आप लोगों को सीजन वन का हिप हॉप बंडल वाला तो बैटल पास नहीं दिखा सकता हूँ, साकुरा और हिप हॉप बंडल वाला सीजन वन सीजन टू का, जो अभी मैं गिरना फ्री फायर में अपनी काफी दिनों के बाद अपनी आईडी को लॉग इन किया हूँ, तो ये वाला बैटल पास मेरे को देखने को मिला है। तो इसी के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और अभी जस्ट आप लोगों को मैं इंडस बैटल रॉयल का भी बैटल पास दिखाऊंगा, है ना। इंडस बैटल रॉयल का जो बैटल पास है ना वो अभी प्री बैटल पास है, मतलब कि अभी गेम आया नहीं है, उससे पहले का ही बैटल पास आप लोगों को दिखाऊंगा, मतलब सबसे रेयर जीरो से स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको काफ़ी मजा आएगा। तो फ्री फायर के दोस्तों आप लोगों को तो पता है ही, और नीचे कमेंट करना कि ये कौन सा बैटल पास है, ठीक है, ये कौन सा बुया पास है आप लोग मेरे को नीचे बताना। फिलहाल आप लोगों को तो पता है कि बुया पास में आप लोगों को काफ़ी रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं, एज लाइक आप लोग यहाँ पे लूट बॉक्स हो गए, पेट फूड हो गए, बोन फायर हो गए, आप लोग का डायमंड वाउचर हो गया, वेपन वाउचर हो गया, मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट्स हो गए, ये हसुआ का स्किन हो गया, ग्लोबल का स्किन हो गया, ऊपर से आप लोगों का एक फीमेल बंडल हो गया, कुछ गोल्ड कॉइन्स हो जाएंगे, फिर आप लोग का मेल बंडल हो गया, और फीमेल बंडल तो एकदम कतई जहर लुक लग रहा है, और आप लोग का यहाँ पे एक स्काई विंग हो गया, जो कि आप लोग जब प्लेन से लैंड करते हो तो उस वक्त आप लोगों को ये सारी चीज़ें बुया पास में देखने को मिलती है। शायद मेरे हिसाब से बुया पास 500 डायमंड के अंदर आप लोग खरीद लेते हो, और इन दस गेम का जो बैटल पास है उसमें आप लोगों को कितने डायमंड्स लग रहे हैं ये भी मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, और गिव अवे वगैरह होगा उसका भी अनाउंसमेंट कर ही दूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, तो फ्यूचर की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ओपी और काफ़ी काम की होने वाली है, तो देरी मत करो, नहीं आप लोग वो अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जो अपने देश का गेम इन दस बैटल रॉयल का प्री ऑर्डर बैटल पास नहीं ले पाओगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूँ कि काफ़ी सारे आइटम्स, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स, काफ़ी सारे चीज़ें आप लोग को बुया पास फ्री में देखने को मिलती है, मतलब फुल पैसा वसूल और फुल डायमंड वसूल। लेकिन कभी कभी आप लोग के पास ऐसा बुया पास आ जाता है जिसके कारण आप लोग थोड़ी सी दुख हो जाते हो, मेरे को पता है, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं भी बहुत सारा हर महीने बुया पास लेता था, काफ़ी अच्छे अच्छे बुया पास होते थे, कभी कभी मंथ में ऐसे ऐसे खराब खराब बुया पास होते थे जिसको लेने का मन नहीं करता था, लेकिन सिक्वेंस में लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ ये वाला सीन होता था ना, ये भी मेरे साथ हुआ हुआ है, लेकिन अब मैं नहीं लेता हूँ फ्री फायर में, क्योंकि मैं फ्री फायर खेलना अभी फिलहाल छोड़ चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी फ्री फायर आने से रहा नहीं, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, ऊपर से ई स्पोर्ट्स को लेकर के भी इसका कुछ अभी सीन वगैरह नहीं चल रहा है ना। तो क्या ही मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स ना खेल करके अपने देश का गेम इंडस बैटल रॉयल का ई स्पोर्ट्स खेले, मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोगों ने देखा भी फ्री फायर का बैटल पास, अब हम लोग आते हैं अपने इंडस बैटल रॉयल गेम में, और आप लोग को मैं दिखा दूँ यहाँ पर इंडस गेम का प्री सीजन बैटल पास, जहाँ पे आप लोग को ऋतिक रोशन का इमोट स्काई विंग, यहाँ पे आप लोग का अवतार कुछ बैनर, गोल्ड कॉइन और काफ़ी गन के स्किन, आप लोग का स्काई विंग का स्किन और इमोट, ऊपर से आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बाइक की स्किन वगैरह, ये सभी चीज़ आप लोग को प्री सीजन अपने इंडस बैटल रॉयल गेम बैटल पास में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आप लोग को पता है कि गिरना फ्री फायर में बंदे लोग 500 डायमंड यानी कि 500 डायमंड खर्च करते हैं, तो यहाँ पर जो बैटल पास अगर आप लोग खर्च करोगे ना बैटल पास को लेने के लिए, जो डायमंड्स होंगे यानी जेम्स होंगे, को इन दस बैटल रॉयल में हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, तो क्रेडिट आप लोग का यहाँ पे 150 क्रेडिट बर्बाद होगा। अब 150 इंडियन रुपीज में आप लोगों के हो गए कम से कम वही 200 से लेकर के 250 अप्रॉक्स, ठीक है। और अपने फ्री फायर में आप लोग को पता होगा ही कि अगर आप लोग वीकली परचेज करते हो तो 7 डेज के अंदर आप लोग के डायमंड्स 620 हो जाते हैं या फिर 520 हो जाते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इसी के बीच में रहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग के लिए वहाँ पे 160 रुपीज़ में आप लोग लाइट पास परचेज कर सकते हो, लेकिन हाँ 7 डेज आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार डायमंड लगाते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 480 रुपीज़ तो करने ही पड़ते होंगे गिना फ्री फायर में, और अपने इंडस बैटल रॉयल में यहाँ पे 200 से लेकर के 250 के बीच में आप लोग क्रेडिट परचेज कर सकते हो अगर आप लोग को बैटल पास चाहिए इंडस बैटल रॉयल में। तो आप लोग के डिस्प्ले पे तो मैं दिखा ही दूंगा कि कौन कौन से इमोट प्री सीजन बैटल पास इंडस गेम में आपको देखने को मिल रही है, कौन कौन से अवतार है, कौन कौन से बैनर है, कौन कौन से फ्रेम है, और फ्रेम के पीछे का जो क्या बोलते हैं उसको
वो भी आपको देखने को मिल रही है। फिर बाइक की स्किन है और फिर इसमें एक मेल बंडल है और एक फीमेल बंडल है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो भी आप लोग किसी भी गेम का अगर बैटल पास परचेज करते हो तो उसमें आप लोगों को मेल बंडल फीमेल बंडल तो देखने को मिलता ही है, और एकदम ओपी ओपी सा बंडल होता है जो कि एक आगे चल करके रेयर भी हो सकता है। और ऊपर से इन दस बैटल और का ये प्री सीजन बैटल पास है, तो जो भी लोग इसको परचेज अगर करते हैं तो शायद ये जाकर के आगे रेयर वगैरह बन सकता है, है ना। तो आप लोग को मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग टॉपअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं आपको बस एक सुझाव दे सकता हूँ, बाकी आप पे ही सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि भाई ने बोला लेने का तो लेने का, नहीं, आप लोग को अपना समझदारी है, अपना अंडरस्टैंडिंग है, अपना मैच्योरिटी है, तो आप लोग अपना सोच करके ही लीजिएगा। मैं प्रेशर वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान देना इस बातों का। और काफ़ी कम दिन ही रह गया है इन दस गेम बैटल पास का, अगर आप लोग अपने देश का गेम इन दस बैटल और खेल रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियो आप लोग के लिए एकदम खतरनाक दूंगा। और ऊपर से आप लोग को मैं दिखा दूँ अपने देश का गेम इन दस बैटल और का जो क्रेडिट है, जैसे कि डायमंड्स वगैरह आप लोग कहते हो, तो आपको दिखा दूँ यहाँ पे 89K 50 डायमंड्स मिलते हैं, 44999K 500 बोलते इसको, ठीक है। तो आप लोग अपने इस हिसाब से देख सकते हो, मैं यहाँ पे तो परचेज कर रहा हूँ, तो मैं परचेज करके आप लोगों को एक वीडियो भी दिया हूँ जहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि क्या क्या रिवॉर्ड्स देखने को मिली है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आप लोगों को मैं अभी बताया हूँ फ्री फायर का बैटल पास वर्सेस इन दस गेम का बैटल पास, है ना। तो आप लोग अब मेरे को बताना, अपना फीडबैक देना कि आप लोग अगर फ्री फायर खेल रहे हो तो आप लोग को कौन सी चीज़ें चाहिए इन दस बैटल रॉयल के बैटल पास में, ताकि मैं डेवलपर्स को जा करके फीडबैक वगैरह दे सकूँ। डिस्कॉर्ड में हमें फीडबैक का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे हम लोग दे सकते हैं और गेम इम्प्रूव और भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग पीछे मत हटिए, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि जो बैटल पास है इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए अपने देश का गेम इन दस बैटल रॉयल में, फ्री फायर मैक्स बैटल पासेस वर्सेज इन दस गेम बैटल पास में आपको कौन सा बैटल पास सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं अपने ओपिनियन से मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोग पे ही छोड़ता हूं, आप लोग ही बताओ, क्योंकि आप लोग ही राजा हो, आप लोग ही प्रजा हो, है ना। आप लोग से हम है, हमसे आप नहीं, आप लोग से हम है। तो आप लोग को नीचे कमेंट करना होगा मेरे प्यारे मिथुवा का और मेरे प्यारे फ्री फायर के दोस्तों, है ना। बताओ नीचे कि कौन सा बैटल पास सबसे बेस्ट है और क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।